ओके हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नाउ वी आर सीइंग दिस ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. गिरजा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आप मुझे लास्ट टाइम बताओगे कहाँ तक हुआ था गिरजा के लिए. हमारा लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था गिरजा? मैम इंट्रोडक्शन ही दिया था ना फिर. ओके, खाली इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है फाइन चलेगा. अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ. ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस, बोला था मैंने आपको. द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा ना, द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वाज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर क्रोमोसोम्स हैव बीन लाइक हैज बीन ऑब्जर्व्ड और जीन्स वर नोन. ग्रेगर जॉन एंड मेंडल, मैंने बोला था ही वाज बोर्न, ही वाज द सन ऑफ अ पेजेंट फार्मर, मतलब अ पुअर फार्मर. ही वाज बोर्न इन मोराविया. उनके बारे में क्या बताया था मैंने ग्रेगर जॉन एंड मेंडल के बारे में? ग्रेगर जॉन एंड मेंडल के बारे में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. देखो नो, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन एंड मेंडल फर्स्ट गिव एक्यूरेट एप्लीकेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. अभी यहाँ पर सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक? ही डिड एक्सपेरिमेंटेशन विद गार्डन पी विच इज प्रिज्म सैटिवम. द रजिस्ट्रेशन आई डी हैज ऑलरेडी बीन यूज इफ यू आर ट्राइंग टू रीजॉइन अ सेशन. वेट फॉर फ्यू मिनट, तुम लोग लॉग आउट हो जाते हो तुरंत, लॉग इन भी नहीं कर सकते और ये दो डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये एटी पे. ठीक है फाइन, इट इज नॉट ज्वाइनिंग. आई कैन नॉट, इफ यू आर राइटिंग समथिंग ना देन हाउ विल आई नो, आई हैव टू कीप द चैट बॉक्स ओपन. ठीक है, अभी सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखती हूँ मैं बाद में एक साथ में तुम्हें उनसे चार्ट देखूंगी. अभी मैं पहले सिखाने का काम करती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. मैं बहुत सारा अभी सिखा देती हूँ, बाद में बहुत सारे लोग को अनम्यूट करती हूँ और जो आपके डाउट्स रहेंगे ना लिखते रखो, यू कैन आस्क मी लेटर. ओके, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे यू कैन आस्क मी लेटर. I'll be answering each and everything later. Now, he did experimentation with garden pea. It had seven pairs of contrasting characters. Abhi, iske andar seven pairs of contrasting characters the. But do you think why he has chosen garden pea only? Pehla usne garden pea hi kyun choose kiya? Uska reason kya hai? What was the reason of Mendel behind choosing garden pea? Anybody can think of some reason? See, I'll tell you the answer. Reasons for selecting a garden pea were, the reasons for selecting garden pea first. Garden pea. सबसे पहले ना जो garden pea है ना, it's a small herbaceous plant. उसका short life cycle है. It is a small herbaceous plant. इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 4 months. स्मॉल हर्बेशियस प्लांट का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट रिक्वायरिंग मच स्पेस. स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? जल्दी से ग्रो होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ खत्म होता है और उसका वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म होकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चालू होता है. शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 4 months. तो एक साल में कितनी बार ग्रो कर सकते हो उसको? यू कैन गेट 3 to 4 क्रॉप इन अयर. समझो, गार्डन पी इज अ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 4 मंथ. तो उसकी हम लोग को कितने सारे क्रॉप मिल सकते हैं इन अयर, राइट?
गार्डन टी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। गार्डन टी है ना, उसके बारे में ये याद रखना, इट्स अ बाइसेक्सुअल प्लांट। इट्स अ बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब क्या है? इट हैज गॉट मेल एंड फीमेल बोथ इन द सेम प्लांट। इट हैज बाइसेक्सुअल प्लांट एंड नेचुरली इट कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑल्सो। सबसे बेस्ट पार्ट है उसका ये जो फ्लावर्स रहते हैं ना, फ्लावर्स ऑफ गार्डन पी, फ्लावर्स आर लार्ज इनफ फॉर इजी इमैस्कुलेशन। इजी इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन वर्ड का मीनिंग मैं अभी समझा रही हूँ। इमैस्कुलेशन वर्ड का मीनिंग मैंने ऑलरेडी सिखाया है ना आप लोग को, ये तो नो, इट इज द रिमूवल ऑफ स्टेमेंस बिफोर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन। बिफोर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन, सो द फ्लावर्स आर लार्ज इनफ दे कैन बी इजिली इमैक्यूलेटेड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म। अभी ये स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, दे कैन बी ग्रोन इन लार्ज नंबर्स, दे कैन बी ग्रोन इन लार्ज नंबर्स, इनको लार्ज नंबर्स में ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो हम लोग को 3 to 4 क्रॉप इन ईयर भी मिल जाते हैं। तो समझा ये रीजन है गार्डन पी सिलेक्ट करने का। व्हाट इज गार्डन पी? इट इज कॉल्ड एज प्रिज्म सटाइवम। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रिज्म सटाइवम। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रिज्म सटाइवम। ओके, आई एम अनम्यूटिंग अ फ्यू पीपल। प्लीज रेज योर हैंड, किस चीज को अनम्यूट करो या तो कोई मैसेज डालो। जानवी ने, आजमीन, वैभव मिश्रा, यश पवार, अपूर्व पाटिल, अरकम, अरकम तुझे अनम्यूट कर रही, तू बात करता है क्या कभी? अरकम, हाँ मैम, आज सुन रहा है तू? हाँ, वही है ना लास्ट बेंच वाला? हाँ वही, बाजू में बैठा। अच्छा, वेरी गुड, जस्ट फॉर आपको अनम्यूट किया मैंने। यस मैम। सुजीत सावंत, सुजीत सावंत आपकी भी आवाज ही सुनी है, बोलो सुजीत। राशि, आपकी भी आवाज नहीं सुनी मैंने कभी। राशि बेटा आवाज को सुनाओ। यस मैम। ओके, साहिल आपको भी अनम्यूट किया, साक्षी राठौड़ अनम्यूट कर दिया, बस हो गया सबका, सबका और कोई बचा है? जितने लोगों ने हाथ रेज किया मैंने सबको कर दिया। गणेश नेगी अनम्यूट किया, जय पवार तो आज सो रहा है ना, मैसेज डाला है ना उसने, हैंड रेज किया। जय पवार। यस मैम। ओके, प्रणव, प्रणव फर्स्ट न्यू नेम है, मैंने सुना भी नहीं है। प्रणव आवाज तो सुना। हेलो मैम। ओके प्रणव, आज फर्स्ट टाइम आपने रेज किया हैंड अनम्यूट करने के लिए, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। कुछ बोलना होगा तो यू कैन से एनीथिंग, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, ये जो अभी और किसी ने उन्हें हाथ रेस किया है, और भी नहीं, नीतीश राय। यस बेटा नीतीश, आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कुछ बोलना होगा किसी को भी आप बोलिए, कुछ भी, नो प्रॉब्लम। आई वांट पीपल हु आर एक्टिव, नॉट स्लीपिंग। चलो, ये रीजन था गार्डन की सिलेक्ट करने का। अभी इसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेट अस सी 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन टी। तो दिस गार्डन टी
has 7 pairs of contrasting characters. हम लोग उनके बारे में देखते हैं. ध्यान से देखो, सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेड वर्ड का मीनिंग सिखाया था. ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर. फिर इसमें दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड क्या होता है? रिसेसिव. डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड का सिंपल मीनिंग ये है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, वन विच इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट. And recessive means अप्रभावशाली, ऐसा बोला जाता है. तो dominant का definition है the character which gets expressed in the first generation is called as dominant. The character which gets expressed in the first generation is called as dominant. While the character which is not expressed in the first generation is called as recessive. यहाँ पे trait में हम लोग first लेंगे height. Height में क्या option है? टॉल हो सकता है, नहीं तो ड्वार्फ. टॉल नहीं तो ड्वार्फ. सेकेंड आएगा, हाइट के बाद आएगा कलर ऑफ द फ्लावर. नाउ कलर ऑफ द फ्लावर में मैं यहाँ पे रेड और व्हाइट लिख रही हूँ. रेड की जगह पे वायलेट भी कुछ भी बुक में लिखा हुआ है, वायलेट व्हाइट भी लिख सकते हो हम लोग. रेड कलर भी होता है, वायलेट कलर भी होता है. तो रेड और वायलेट is the dominant character and white is the recessive character. Third rahega position of the flower. Color of the flower ke baad kya hota hai? Position of the flower. Position of the flower mein dominant jab dono sides pe rahenge tabhi dono sides ko kya bolte hai? Axial. Aur end pe rahega to kya bolenge? Terminal. Dono sides pe rahega to axial, end pe rahega to terminal. Next aayega seed, shape, seed, color. Seed, shape, seed, color. Then aayega pod, shape, pod, color. Seed, shape, seed, color, pod, shape, pod, color. Seed, shape, seed, color, pod, shape, pod, color. Seventh character ke liye mere paas jagah nahi hai. पॉड कलर मिल गई जगह. अभी सीड कौन सा शेप? राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव. सीड कलर में हम लोग बोलेंगे येलो इज द सीड कलर एंड ग्रीन इज द रिसेसिव कैरेक्टर. पॉड मतलब जो मम्मी बटाना मार्केट से खरीद के लाती है, वो कैसा वाला लेके आती? फूका हुआ लेके आती है, मतलब इंसुलेटेड. और जो चपटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड. पॉड कलर मतलब मम्मी जो पॉड लेके आती मार्केट से, कौन सा कलर का लेके आती? येलो या तो ग्रीन. हम लोग कौन सा फेवर करते हैं? ग्रीन कलर. तो ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव. तो आपको पहले क्या याद रखने? पहले पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं. पहले ये सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के नाम याद रखने हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे हाइट, फिर कलर ऑफ द फ्लावर, सेकेंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा? पोजिशन ऑफ द फ्लावर. देन विल बी सीड, शेप, सीड, कलर, पॉड, शेप, पॉड, कलर. फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हो, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है सबने ये तो. रूप नाम. ओके, अभी दीज आर ऑल कॉल्ड एज फीनोटाइपिक कैरेक्टर्स. ये सब फीनोटाइप लिखे हमने. अब इसके जीनोटाइप लिखने के लिए क्या किया जाता है? जो फर्स्ट लेटर है ना उसको टू टाइम्स लिखा जाता है, बिकॉज अलील्स आर इन पेयर एंड बोथ आर इन कैपिटल लेटर्स. जब भी रिसेसिव लिखेंगे, जो हमने कैपिटल लिखा वही हम लोग स्मॉल लिखेंगे, छोटा टी छोटा टी. इधर कलर ऑफ द फ्लावर में क्या लिखेंगे? बड़ार बड़ार. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? छोटा आर छोटा आर. यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल ए. तो यहाँ पे बड़ा ए बड़ा ए. यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा है छोटा है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ा आर बड़ा आर. एंड यहाँ पे क्या रहेगा? छोटा आर छोटा आर. ये मैं क्या लिख रही हूँ? इसका जीनोटाइप लिख रही हूँ. येल्लो का जीनोटाइप क्या आएगा? बड़ा वाई बड़ा वाई. तो ग्रीन का क्या हो जाएगा? छोटा वाई छोटा वाई. इंफ्लेटेड का क्या आएगा? बड़ा है बड़ा है. कंस्ट्रिक्टेड का क्या आएगा? छोटा है छोटा है. ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे? बड़ा जी बड़ा जी.
येलो के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? छोटा जी, छोटा जी। हाड़े के लिए इजी मैम। आपको ये समझा फिनोटाइप मतलब क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर दिखाई देता है विजिबल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। एंड जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ग्रीन कलर में लिखा है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज जीनोटाइप। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीनोटाइप। मैम जीनोटाइप रिपीट कर रही है ना? ओके डियर, रिपीट कर। अभी उसमें क्या किया जाता है, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर देखा जाता है और उसको दोबारा लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट अपना टॉल है ना, तो उसका टी लिया जाता है, दो बार कैपिटल टी कैपिटल टी। और जो कैपिटल हमने लिखा है ना, उसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। जो हमने कैपिटल में लिखा है उसी को हम स्मॉल में लिखेंगे। डोमिनेंट वाले के लिए क्या करेंगे? रेड दिख रहा है ना, तो रेड किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। और व्हाइट के लिए क्या आएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर। समझा क्या? डाउट है और भी कुछ? मैम कलर ऑफ फ्लावर और सीड शेप का सेम रहेगा? अभी यहाँ पे देखो ना बेटा, मैं एक बात समझाऊँ आपको, इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी जब आप देखोगे ना, आपको दो चीज सेम दिख रहा है, कलर ऑफ द फ्लावर में रेड में और व्हाइट दिख रहा है सेम, और वहाँ पे राउंड और रिंकल सेम दिख रहा है ना आपको, तो वैसा नहीं है। कभी भी पहले तीनों टाइप लिखा जाता है, टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे? रेड और व्हाइट, फिर बाद में आएगा उसका जीनोटाइप। पहले क्या आता है? फिनोटाइप आता है, बाद में उसका जीनोटाइप। हेलो मैम, मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज स्लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। यस मैम। ओके, जो मैं बोल रही हूँ, पहले फिनोटाइप लिखा जाता है, बाद में उसका जीनोटाइप लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाता है? फिनोटाइप, और बाद में उसका जीनोटाइप लिखा जाता है। ओके मैम। सो उससे मैटर नहीं करता है कि पहले हम लोग ऐसा लिखेंगे या कैसे भी लिखेंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स फोटो कुछ तो ले रहे हो? यस मैम। यस मैम। लिख रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ो अभी मैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। इसका पहले का भी ले लिया ना आपने? हाँ मैम। यस मैम। एक सेकेंड। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, इसको इरेज ऑफ कर रही हूँ पूरा। अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ। अभी सबसे पहला जो आपको टर्म पढ़ना है ना, दैट इज अबाउट ट्रेट, ट्रेट और कैरेक्टर। उसको मीनिंग क्या होता है? इट इज वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर। इट इज कॉल्ड एज वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर। जैसे हम लोग बोलेंगे हाइट,
कलर ऑफ दी फ्लावर, ये शेप ऑफ दी फ्लावर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट. ट्रेट का मीनिंग समझा, इट्स वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर विच इज कॉल्ड एज ट्रेट. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले ना दे हैड नॉट फाउंड अबाउट, हम लोग को जीन्स नहीं पता था. जीन्स से पहले ना दे वर कॉलिंग दोज जीन्स अस फैक्टर. क्या वर्ड क्या यूज करते थे, फैक्टर. उनको जब जीन्स वर नॉट डिस्कवर्ड, बिफोर जीन्स वर डिस्कवर्ड, दे वर कॉलिंग दैट वर्ड अस फैक्टर. फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर इज नथिंग बट अ पार्टिकल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. उन्होंने क्या बोला, एक पार्टिकल प्रेजेंट है इन एन ऑर्गेनिज्म, पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, फॉर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से आएंगे कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो जो पार्टिकल प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहा है, पेरेंट्स से मैच होते हैं. अगर आप, मैं एग्जाम्पल पूछूं आपको, आप सब में कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर तो रहेगा जो मैच होता होगा अपने पेरेंट्स से. ये सुनू, किसी में हाइट रहेगा, किसी में स्किन कलर रहेगा, किसी में आई कलर रहेगा, किसी में हेयर कलर होगा. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो मैच करते हैं. तो वो तभी ना, उनको नहीं पता था, जिसके बारे में नहीं पता था, दे हैड नॉट नोन अबाउट जीन. उनको जीन के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने क्या बोला, जीन की जगह पे दे हैड यूज दी वर्ड फैक्टर. फैक्टर क्या है, फैक्टर इज द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. अभी नेक्स्ट हम लोग करने वाले अबाउट जीन, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले अबाउट जीन. जब भी जीन डिस्कवर हुई थी, जीन क्या होता है, जीन मतलब इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का धागा है. जीन इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. बाकी का क्या करना है, बाकी का यहाँ से कॉपी करना है, बाकी का यहाँ से कॉपी करना है. जीन सेगमेंट, जीन और पार्टिकल सेम है, बट तभी उन लोग को पता नहीं था, दे वर नॉट नोइंग कि जीन को ही पार्टिकल बोलते हैं. Which is responsible for inheritance and expression of particular character. ये repeat करना है आपको वापस. Gene is a segment of DNA which is responsible for inheritance and expression of a particular character. ये definition समझा gene का. जीन भी क्या होता है, एक पार्टिकल ही है, जिससे क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है किसका, ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. अभी उसके बाद में ना, दे हैड डिस्कवर्ड अबाउट व्हाट इज फीनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप. फीनोटाइप वर्ड का मतलब क्या होता है, फीनोटाइप मतलब इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो बाहर से दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ फीनोटाइप. इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ इज कॉल्ड एज द फीनोटाइप. एग्जांपल जैसे हम लोग लेंगे टॉल और ड्वार्फ. गणेश आप लिख रहे हो क्या, क्या कर रहे हो आप? मैम आई एम राइटिंग. So, beta, if like you are something is left to write and I ask, so you can tell me, I am still writing, okay? Because you alone yes, are sitting on a computer, I can see. You are using a laptop or a computer, what I don't know what you are using. Yeah, ma'am, I'm in laptop. So, because you can do print screen option is there. Where is the print screen option? Achha, there is a ma'am, Windows plus G, main kar raha hu na, to screenshot ho raha hai. So you are taking screenshot only, that means, huh?
हाँ मैम, मतलब स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। क्या करते हो? Windows+G। Windows+G करने का तो होता है, उसमें ऑप्शन आता है कैप्चर का और सबका, तो कैप्चर में क्लिक करने का तो हो जाता है। मेरे में तो नहीं आ रहा, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंजिन। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फैक्टर एंजिन। फैक्टर तभी था जब तक जीन डिस्कवर नहीं हुआ था। जब जीन डिस्कवर नहीं हुआ था तभी उन लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ तो है ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऐसा एक पार्टिकल प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में जो जिसकी वजह से ना ये पेरेंट्स से दूसरे जनरेशन के पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मतलब जिससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स आ भी रहे हैं और एक्सप्रेस भी हो रहे हैं। मतलब उन्होंने ना कभी डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा, कभी जीन डिस्कवर नहीं हुआ था। जीन को ही फैक्टर बोल रहे थे, जीन को क्या बोल रहे थे, फैक्टर बोल रहे थे। मैम टॉल और क्या लिखा है आपने? सॉरी टॉल और कौन सा वर्ड है उसका मीनिंग, मतलब क्या है? डॉर्फ। ओके मैम, थैंक यू। डॉर्फ मतलब हाइट में कम वाले लोग। यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन स्पीक अप प्लीज। वेरी नाइस पीपल स्पीकिंग। अंडरलाइन किया है ना, वही सेम कॉपी करना है। मैंने बोला आपने सुना नहीं क्या? सब लोग ने कॉपी किया है ना, गणेश कॉपी किया है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल के बाद ऊपर। यस मैम, यस मैम, यस मैम। एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर लिखना है। यस मैम, ना मैं पूरा लिख देती हूँ नहीं तो। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट्स इन नेक्स्ट जनरेशन के पास आते हैं उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर है? मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। व्हाट इज जीनोटाइप? नाउ जीनोटाइप वर्ड का मीनिंग है इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब जो अलील्स और जो जीन्स है ना उसको जीनोटाइप बोलते हैं। It is the genetic constitution of an organism. जैसे हम लोग example देंगे capital T और small t, ये उसका genotype है। अभी ना अगर आपको मैं पूछूं difference है क्या जो मैं लिख रही हूँ अभी उसमें लिखूँ, अभी मुझे बताओ जो मैं लिख रही हूँ उनमें क्या difference है। यहाँ पे अगर मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी तो आप बोलोगे इसमें दोनों भी सेम अलील्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलील्स का मीनिंग देखते हैं। चलो अलील्स का मीनिंग भी देखा हमने। अलील वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा ही आता ही है एग्जाम में।
अनिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनिलो मॉस. मेरी आवाज आ रही है कि बैकग्राउंड नॉइज आ रही है फैन वगैरह की आप लोग को? यस मैम, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है. अरे प्रॉब्लम ये है ना, मैं जहाँ पे रोज रहती हूँ ना वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैंने कैमरा ऑन किया वही दिखा ना आप लोग को. तो फैन शो कर मुझे, तो मुझे गर्मी लगी. ओ गॉड, ठीक है रुको मैं करती हूँ फैन शो. अलील और अलीलो मौत रेंज आए और चले भी गए, देखा ऐसा लगा था पता नहीं कितनी रेंज आई. अलील और अलीलो मौत के लिए आई विल गिव एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं. सपोज आई हैव टेकन एग्जाम्पल एज मैंने ये लिया मेरा क्रोमोजोम, दिस इज माई क्रोमोजोम, दिस इज माई क्रोमोजोम नंबर 16. देन आई हैव टेकन नाजरीन्स क्रोमोजोम नंबर 16 ओवर हियर. आई हैव टेकन चलो जे जे सुन रहा नहीं, उसके क्रोमोजोम नंबर 16 लिया. सो दिस इज माइन, दिस इज नाजरीन, दिस इज जेस क्रोमोजोम नंबर 16. अभी देखो अलील्स का मतलब क्या होता है. अलील्स का मतलब होता है अगर हम लोग बोलेंगे तीनों के भी सेम क्रोमोसोम लिए हो, क्रोमोसोम नंबर 16, ये तीनों का सेम लोका है. सो सेम लोका है मतलब सेम पोजीशन पे. अभी मेरे क्रोमोसोम पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, नाजरीन के है स्मॉल टी और जे के है कैपिटल टी. तो क्या दिख रहा है आपको, डेफिनेशन रेडी है आपकी आंखों के सामने. इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. टू और मोर क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है किसके, ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय. सेम लोकाय मतलब सेम पोजिशन पे प्रेजेंट है. इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर ओवर हियर इट इज गेटिंग कंट्रोल्ड. यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा हाइट है, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है हाइट, कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे हाइट. तो आपको अलील का डेफिनेशन मैं अभी लिख रही हूँ, समझ रहा है कि देखो बच्चा लोग, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम, यस मैम. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन which are, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट. टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. किसी ने हाथ रेस किया है क्या? इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय of the homologous chromosome and controlling the same character. मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, एक मिनट इसको इरेज करना है जस्ट.
यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया इसको, इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. आपको जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या डिले होके दिख रहा है? दिख रहा है मैम. अच्छा, ये टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन मतलब कौन है? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. सो ये क्या दिख रहा है आपको? टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय, प्रेजेंट ऑन सेम लोकाय. लोकाय मतलब क्या होता है? लोकाय मतलब द सेम पोजिशन. प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय, लोकाय मतलब सेम पोजिशन पे है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अभी कौन से टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन बताओ? यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है. सो टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर. एंड क्या कंट्रोल करे? सेम कैरेक्टर. एंड कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर. इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर. एग्जाम्पल्स क्या? ये तीन एग्जाम्पल्स है, ये तीन एग्जाम्पल्स है. तो ये अलील या तो अलीलोमॉर्फ श्योर आता ही है एग्जाम में डेफिनेशन. किसको नहीं समझा है प्लीज अनम्यूट करके बताइए, ये तो मैसेज करिए चैट बॉक्स में. अगर आपका माइक म्यूट है तो आप मैसेज भी कर सकते हो. केतन कौन सा स्लाइड दिखाऊं फॉर स्क्रीनशॉट? मैम कैन यू वंस अगेन रिपीट अलील? ओके सुमित, आप हाथ रेस करो ना यार. सुमित ऐसा कुछ रहेगा तो मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा स्क्रीन छुप जाता है. सुमित कहाँ गया? अभी एस यू एम आई टी एस यू 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 सुमित पाल. सुमित पाल आपको नहीं समझा? सुमित पाल मैंने आपको अनम्यूट किया. सुमित पाल उसकी आवाज ही नहीं आ रही है. ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाऊँ. सबको समझा? टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाय ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सेम कैरेक्टर. हेलो मैम. यस बेटा. मैम लोकाय का स्पेलिंग क्या लिखा है आपने? एल ओ सी आई. ओके मैम, थैंक यू. लोकाय वर्ड का मतलब क्या होता है? लोकाय मतलब सेम पोजीशन होता है. वेरी गुड, थैंक यू. एटलीस्ट आपको पता है लोकाय का मतलब, मैंने बोला. और उसके एग्जांपल्स क्या? अलील और अलीलोमॉर्फ के. कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी. दिस इज द डेफिनेशन फॉर अलीलोमॉर्फ. आगे बढ़ू मैं अभी? यस मैम. मैं चेंज कर रही हूँ अभी स्लाइड. एक मिनट. रीजन्स फॉर, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, ये मैंने नहीं करवाया था, ये मैं करवाती हूँ बाद में एक साथ में. पहले जो मैं अभी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ. जब भी हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस? होमोजाइगस मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कैपिटल टी बोलेंगे या स्मॉल टी, ये एग्जाम्पल है होमोजाइगस का. होमोजाइगस का ये एग्जाम्पल है. तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ऑर्गेनिज्म अगर उसके पास सिमिलर अलील है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल अलील्स. आइडेंटिकल अलील्स का मतलब क्या है? विच आर हैविंग सिमिलर अलील्स. सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. हेट्रोजाइगस का मीनिंग बताओ अभी सब लोग को. हेट्रोजाइगस तो समझ में आ गया रहेगा, खुद ही बोल सकते हो. हेट्रोजाइगस के लिए क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी. ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट एलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. वेरी गुड. जब डिसिमिलर एलील्स रहेंगे फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? So organism having dissimilar alleles, having dissimilar alleles. और इसका example बता दो कोई भी. इसके example दे दो. Dissimilar alleles. Capital T, small t. Very good. Capital T, small t. So example for this is capital T, small t, which is the heterozygous condition. अभी हम लोग देख रहे हैं dominant और recessive. डोमिनेंट और रिसेसिव का डेफिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में अपियर होता है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस होता है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन. इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन. जो कि F1 जनरेशन है उसको फिलियल वर्ड क्यों बोलते हैं वो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे तब मैं समझाऊंगी. उसमें जो पेरेंट्स लिए जाते हैं ना, दोस पेरेंट्स आर प्योर पेरेंट्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज. और पेरेंट्स कैसे होते हैं? द पेरेंट्स आर प्योर पेरेंट्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी फिलियल. वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग करेंगे उसको क्यों बोला जाता है ऐसे, फर्स्ट फिलियल. तो जो कैरेक्टर अपियर होता है ना F1 जनरेशन में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट. और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसेसिव. सो अभी हम लोग उसके बाद अभी नेक्स्ट पे जा रहे हैं. हेलो मैम. यस बेटा. आपने डोमिनेंट में एकदम लास्ट लाइन में वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ओके मैम, थैंक यू. फर्स्ट फिलियल जनरेशन. मैं राइटिंग बहुत खराब लिख गया आज. रुको मैं अभी अच्छे राइटिंग में लिखती हूँ. अच्छे राइटिंग में लिखती हूँ अभी. मैं अभी रिसेसिव लिख रही हूँ. रिसेसिव. रिसेसिव वर्ड का मीनिंग क्या है? द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस. अभी अच्छी राइटिंग में लिखूंगी. मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, डोंट वरी. रिसेसिव वर्ड का मीनिंग है द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन. जो विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड. नॉट एक्सप्रेस्ड या तो हम लोग बोलेंगे द कैरेक्टर विच इज मास्क्ड. नॉट एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज मास्क. मतलब छुप जाता है. इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव. तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होता है. जो रिसेसिव है ना वो एक्सप्रेस नहीं होता. याद रहेगा सबको? यस मैम. ओके अभी आगे बढ़ती हूँ मैं. अभी इसके बाद में और जो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होने चाहिए वो ये है. चलो इधर पहले हम लोग स्लाइड देखते हैं हमारा जो मिस हो गया. Reasons why Mendel has chosen garden pea. और Mendel का success का reason क्या है? It's a 2 mark का answer. ये 2 mark का answer है.
एग्जैक्टली ऑब्वियसली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ही लिया गया है, कुछ भी आपको अलग तो नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली, मुझे पता है. इसमें आप ये बोलेंगे सबसे पहले ना, हिज एक्सपेरिमेंट्स वर टोटली क्या था, हिज एक्सपेरिमेंट्स वर टोटली प्लान्ड एंड केयरफुली प्लान्ड, और उसमें लार्ज सैंपल्स इन्वॉल्व थे. लार्ज सैंपल्स इन्वॉल्व थे उसका मीनिंग समझा, वो एक दो के साथ में नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक साथ में बड़े बड़े सैंपल्स के साथ कर रहा था एक्सपेरिमेंटेशन. फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैंपल, मतलब बहुत सारे प्लांट एक साथ में प्लांट कर रहा था वो. फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ये बोलेंगे, ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स. वो क्या केयरफुली रिकॉर्ड कर रहा था, ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर ईच टाइप एंड दी एक्सप्रेस द रिजल्ट एज रेशियोज. मतलब जब हम लोग, जैसे हम लोग फर्स्ट वाला करने वाले हैं ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग को रेशियो 3:1 मिलेगा या 1:2:1 मिलेगा. तो जो भी उसको आंसर मिल रहा था ना, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा था, ही वॉज एक्सप्रेसिंग एज रेशियो, ही वॉज एक्सप्रेसिंग देम इन रेशियो. उसने रिकॉर्ड किए थे नंबर ऑफ टाइप्स और जो भी आंसर मिला था उसको एक्सप्रेस किया था एज रेशियोज. इन दी पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इजिली रिकग्नाइजेबल. इजिली रिकग्नाइजेबल क्यों, हम लोग पहचान सकते हैं, हम लोग को देख के समझ में आता है जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, दोज आर इजिली रिकग्नाइजेबल. फिर उसके बाद में जो 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना, दे वर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच. ईच मतलब क्या था, जो भी हम लोग ये बोल रहे हैं ना, ये कलर ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द फ्लावर या पोजिशन ऑफ द फ्लावर बोल रहे थे ना हम लोग, ये जो सब बोल रहे हैं, जो सब कैरेक्टर्स है ना, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स. कॉन्सेप्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट क्रोमोजोम्स. ऑल द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोजोम्स. उसके बाद में दीज कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन. और उसने कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, किसका, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का कैरेक्टर भी एक्सप्लेन किया था. जो कैरेक्टर था ना डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का, वो भी एक्सप्लेन किया था. सो ये सब रीजन है इसके लिए फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल. दीज आर ऑल द रीजन वाई मेंडल गॉट सक्सेस. हार्ड है क्या, इजी है इसको, ऑब्वियसली आपको बाय हार्ट करना है, मेमोराइज करना है, ऑब्वियसली नथिंग एल्स कैन बी डन. पहला, द एक्सपेरिमेंट्स वर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल. फिर उसके बाद में उसने रिकॉर्ड किए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड उसका पूरा एक्यूरेट रिजल्ट भी रखा. फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ये बोलेंगे, जो रिजल्ट रखा वो कैसे रखा, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. ऑल द रिजल्ट व्हिच वर केप्ट बाय हिम, दोज वर इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज. एंड जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, उसमें बराबर दिखाई देते हैं, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इजिली विजिबल. एंड जो कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे थे ना, द कैरेक्टर्स विच वर गेटिंग कंट्रोल, हाउ आर दे प्रेजेंट, दे वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स. क्लियर है ये, he has also introduced the concept of dominance and recessiveness. main abhi next pe ja raha hu, iska sabne screenshot le liya. yes ma'am. okay ek bar dekh lo, aur mujhe at least ek nazreen aap ek do points explain kar sakte ho iske. किसी ने तो हाथ रेस किया, आई कैन नॉट एक्चुअली सी, कुछ तो यहाँ पे फीचर होना चाहिए. किसने हाथ रेस किया, प्रणव? यस बेटा, आपका माइक अनम्यूट किया है, बोलो ना आप. प्रणव, प्रणव डियर, कुछ बोलना है आपको? प्रणव, ठीक है. जानवी आप बताओ, कोई भी दो पॉइंट्स जो आपको समझाए. जानवी,
यस मैम। आपको कोई भी जो दो पॉइंट समझे आप एक्सप्लेन करो कोई भी। मैम ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन लार्ज स्केल ऑफ सैंपल्स ऑन लार्ज सैंपल्स ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। अच्छा डोमिनेंस और रिसेसिवनेस कैसे पहचान सकते हैं हम लोग वो बताओ। मैम डोमिनेंस F1 जनरेशन में आपको मिलेगा एंड रिसेसिवनेस वर्ड क्या था F1 जनरेशन में नहीं नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ओके ओके ठीक है थैंक यू सो मच जानवी। आई एम गोइंग टू आस्क नेक्स्ट पर्सन इज बहुत सारे लोग को मैंने अनम्यूट किया है किसी और को बोलना है क्या कुछ डेस्क और आपको कोई पॉइंट और याद है। डेस्क और आपको कोई पॉइंट याद है ठीक है। नाजरीन आपको और कोई पॉइंट याद है। Contrasting character can be easily recognized. Very good. Contrasting character can be easily recognized. ठीक है और भी बहुत सारे पॉइंट है उसमें लार्ज सैंपल किया और वो सैंपल को एक्सप्रेस कैसे किया इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। आई एम मूविंग टू दिस स्लाइड। ये स्लाइड एक बार देख रहे हो आप लोग इसमें मैंने सब ये पढ़ा दिया आप लोग को यस और नो। यस मैम। यस मैम। ठीक है ये इसमें सब मैंने कवर कर दिया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। Somebody is raising their hand. He recorded. Okay. Rosie has raised her hand. उसका नाम भी आया है। Yes, रोजी बेटा आपने कुछ बोलना है बोलो रोजी। कुछ नहीं मुझे अनम्यूट करना है। ओके सॉरी बेटा ओके कर दिया। और भी किसी और ने रेस किया है। प्रणव ने किया था बट मैंने उसको अनम्यूट किया बट इज नॉट आंसरिंग। ये अलीलोमॉर्फ का जो शॉर्ट है ना उसको क्या बोलते हैं अलील बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलीलोमॉर्फ इज नथिंग बट अलीलोमॉर्फ का शॉर्ट इज अलील। मैंने ये वाला करवा दिया मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। डोमिनेंट और रिसेसिव भी करवा दिया मैंने। डोमिनेंट एंड रिसेसिव यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है अभी फीनोटाइप जीनोटाइप भी करवा दिया। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फीनोटाइप। जैसे पी प्लांट में हाइट ऑफ द स्टेम एंड ड्वार्फ आर द टू फीनोटाइप्स। इट इज टॉल इज डिटरमाइंड बाय तो हम लोग क्या बोलेंगे फीनोटाइप मतलब क्या है जो हाइट है जिसमें टॉल और ड्वार्फ वो फीनोटाइप है। एंड जीनोटाइप का मतलब क्या बोलेंगे इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। और हेटरोजाइगस भी करवा दिया है। हाँ मैंने ये नहीं करवाया होमोजाइगस को प्योर बोला जाता है। होमोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर और इट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग। होमोजाइगस के लिए दूसरा वर्ड क्या है होमोजाइगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर और इट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग। सो होमोजाइगस क्या होते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिकल एलील्स रहते हैं। एंड इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। सो होमोजाइगस आर मतलब दे आर ब्रीडिंग ट्रू फॉर द ट्रेट एंड दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट एंड होमोजाइगस में। हेटरोजाइगस को क्या बोला जाता है हेटरोजाइगस आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड। हेटरोजाइगस आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट हाइब्रिड।
मैं चेंज करूँ ये भी. ओके, प्योर लाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? प्योर लाइन मीन्स अगर हम लोग बोलेंगे दी ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्योर लाइन बोला जाएगा. जब भी होमो मतलब होमोजाइगस या आइडेंटिकल या ट्रू ब्रीडिंग रहेगा ना, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस और इट इज ट्रू ब्रीडिंग. होमोजाइगस है नहीं तो ट्रू ब्रीडिंग है फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स. तो दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू ब्रीडिंग और इट इज कॉल्ड एज प्योर ब्रीडिंग. ओके बच्चा लोग, आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है मेरा कि कुछ? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है आप लोगों को कुछ? नो मैम. ठीक है. दी ऑर्गेनिज्म विच इज होमोजाइगस विच इज प्योर और इट इज ट्रू ब्रीडिंग. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई, अभी एग्जाम्पल आप मुझे बताइए अभी कौन सा इसमें से होमोजाइगस है? ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा है वो होमोजाइगस है, और जो ये दोनों होमोजाइगस लिखा है ना फर्स्ट लाइन में मैंने, तो दीज होमोजाइगस इंडिविजुअल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज होमोजाइगस इंडिविजुअल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर लाइन और दे आर कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग. जब भी हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग प्योर पेरेंट्स यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, जब हम लोग प्योर पेरेंट्स यूज कर रहे हैं ना, दोज प्योर पेरेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जो भी हम लोग प्योर पेरेंट्स यूज कर रहे हैं दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग और दे आर कॉल्ड एज होमोजाइगस इंडिविजुअल. समझा सबको? तो और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? नीचे वाले को हेटरोजाइगस बोला जाता है और इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन जो भी हम लोग करना है वो करूँ स्टार्ट? यस मैम. किसी ने हाथ रेज किया? नाम नहीं लिखा मुझे. ओके रोजी, आपने हाथ रेज किया बेटा, वापस बोलो रोजी. सॉरी. ओके नो प्रॉब्लम. मैं अभी ना आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन सिखा रही हूँ. सब लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, प्लीज ट्राई एंड लिसन वन टाइम ओनली, क्या मुझे रिपीट ना करना पड़े. सो फर्स्ट वन आई एम स्टार्टिंग इज दैट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. नाउ व्हाट इज मोनो? मोनो मीन्स वन. मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग है इट इज अ क्रॉस, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. कैसे हैं वो? प्योर है पेरेंट्स. इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन, किसमें डिफर कर रहे हैं? डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मोनो है ना मतलब वन, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. किसमें डिफर कर रहे? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मैंने आपको कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिखाया? मैंने आप लोगों को सेवन पेयर सिखाया. अगर उसमें से वन पेयर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने हाइट लिया, हाइट वो हाइट में हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट में टॉल और डॉर्फ, वो क्या है? That is a okay. मैं यहाँ पे अभी से example देके start कर रही हूँ. आप लोगों ने क्या डेफिनेशन लिख दिया? इट इज अ क्रॉस मैम टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन. तो
यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी फर्मेंटेशन, सबसे पहले हम लोग पेरेंट्स लेंगे, पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए ना, दिस इज सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज फीमेल. अभी ना आप ऐसा मत बनाना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाओगे तो कितना खराब दिख रहा है और ये रॉन्ग है. तो आपका जो सर्कल विथ एन एरो और सर्कल विथ अ क्रॉस है ना वो प्रॉपर सिमेट्रिकल होना चाहिए. सर्कल विथ एन एरो को क्या बोला जाता है मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस को क्या बोला जाता है फीमेल. अभी नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड एज फीनोटाइप. नेक्स्ट हम लोग तुरंत लिखेंगे फीनोटाइप. आई टेक द एग्जाम्पल एज रेड एंड व्हाइट. वॉट वॉज रेड एंड व्हाइट, किसी को याद है वॉट वॉज रेड एंड व्हाइट? कलर ऑफ ब्लड. वेरी गुड. फीनोटाइप के बाद नेक्स्ट थिंग आते है दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. आफ्टर फीनोटाइप भी आती है नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. रेड के लिए हम लोग क्या जीनोटाइप लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर. एंड व्हाइट के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर. तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अबाउट गैमेट. नेक्स्ट आएगा गैमेट. तो ये आप लाइन से याद रखो, पेरेंट्स फीनोटाइप जीनोटाइप गैमेट, पेरेंट्स फीनोटाइप जीनोटाइप गैमेट. अभी इसके गैमेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल आर लिखेंगे विथ अ सर्कल. यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर विथ अ सर्कल. तो अलील सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और वो सेपरेट हो रहे हैं, उनको सेपरेट लिख के हम लोग क्या करते हैं सर्कल डालते हैं. सुन रहे सब लोग व्हाट्सएप पर? ओके यहाँ पे देखो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अलील को सेपरेट कर रहे हैं एंड देन वी आर ड्रॉइंग व्हाट, वी आर ड्रॉइंग दैट सर्कल. सो व्हाट इज दैट, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन. अभी इसके बाद में ना हम लोग नेक्स्ट देखने वाले दैट इज एफ वन जनरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट आपको ये लाइन से बाहर ऐड करना है, पेरेंट्स फीनोटाइप जीनोटाइप गैमेट एफ वन जनरेशन. अभी किसे याद रखने का, देखो आई नंबर देम, वन इसको, टू इसको, थ्री इसको, फोर. ये दिख रहा है नंबरिंग क्या, मैंने वन टू थ्री फोर, वन के साथ थ्री, फिर टू के साथ जाएगा फोर, थर्ड के साथ पहले कौन था, वन था ना, वन के साथ थ्री, टू के साथ फोर. पहले थ्री के साथ कौन था, वन था. अभी कौन आएगा, थ्री के साथ टू और फोर के साथ टू था तो कौन आएगा, वन. ये समझा कि एक और बार रिपीट करूँ इसको, मैं एक और बार रिपीट करूँ? यस मैम. ओके इनको नंबर किया है गैमेट को, मैंने वन टू थ्री फोर नंबर किया गैमेट को, वन टू थ्री फोर. वन के साथ जा रहा है थ्री, टू के साथ जा रहा है फोर, देखो ऑल्टरनेट जा रहा है. देखो वन के साथ जाएगा थ्री, वन के साथ थ्री, तो टू के साथ दिख रहा है आपको ऑल्टरनेट गया फोर, ये समझा. अभी देखो थ्री के साथ कौन जाएगा, थ्री के साथ पहले वन था तो कौन जाएगा, टू. फोर के साथ पहले टू था तो अभी कौन जाएगा, वन. तो ये वन और थ्री, पहले देखो वन और थ्री देखते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को आंसर. वन और थ्री में वी आर गेटिंग, वन में क्या दिख रहा है हम लोग को, कैपिटल आर, और थ्री में स्मॉल आर. तो पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर स्मॉल, क्योंकि कैपिटल वाला क्या होता है डोमिनेंट और स्मॉल वाला रिसेसिव. टू में हम लोग को दिख रहा है कैपिटल आर है, फोर में स्मॉल आर है, तो पहले कैपिटल आर आएगा फिर स्मॉल आर. थ्री के साथ कौन जाएगा, अभी थ्री के साथ टू, थ्री एंड टू. थ्री में क्या दिख रहा है हम लोग को, स्मॉल आर. टू में कैपिटल आर, पहले किसको लिखेंगे, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर. फोर के साथ कौन आएगा, फोर के साथ आएगा वन, फोर के साथ कौन आएगा, वन. फोर में क्या दिख रहा है, स्मॉल आर, और वन में क्या दिख रहा है, कैपिटल आर. पहले किसको लिखेंगे, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर. अभी दिख रहा है चारों के चारों सेम दिख रहे हैं, चारों के चारों सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, चारों के चारों सेम है इसका मीनिंग क्या है? व्हाट दे विल बी कॉल्ड एज, दे विल बी कॉल्ड एज रेड कलर, बट आर दे प्योर रेड और दे आर दे हाइब्रिड रेड? यश पवार माइक अनम्यूट करो. आपने ना एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं अभी दे रही हूँ. ये कैपिटल आर क्या होता है, ये रेड है, ये क्या है रेड. जब भी कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा ये भी रेड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है. कैपिटल आर किसके लिए होता है, कैपिटल आर इज व्हाट कैरेक्टर,
कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, कैपिटल आर कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी क्या होता है, कैपिटल आर इज रेड, अगर स्मॉल आर आएगा तभी क्या आएगा व्हाइट, स्मॉल आर रहेगा तो भी व्हाइट रहेगा। अभी फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है कौन बताएगा मुझे? मैम फर्स्ट प्योर लाइन है, फर्स्ट प्योर है और सेकेंड वाला क्या है? रेड। सेकेंड वाला क्या है? हेटरोजाइगस या तो हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड, इट इज कॉल्ड एज हेटरोजाइगस और हाइब्रिड रेड। जानवी प्लीज माइक अनम्यूट करो। यस मैम। जानवी आपने क्वेश्चन लिखा, आपने आपने ट्रेट और कैरेक्टर का मीनिंग सेम बताया था ना मैंने? हाँ मैम, बट वो स्लाइड पे दोनों अलग था ना। हाँ दोनों अलग अलग दिया है स्लाइड पे, बट अगर आप दोनों का मीनिंग देखने जाओगे ना थोड़ा सा, तो आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट द सेम ही है। एक मिनट में उस पर जाती हूँ वापस से, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, किसी ने बोला नहीं, बट ये बात देखो इन्होंने क्या दिया, कैरेक्टर का मीनिंग क्या दिया, इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उन लोग को एक डेफिनेशन बढ़ाना था इस पर, तो उन्होंने देखो क्या दिया इन्होंने, इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोला, और ट्रेड के बारे में क्या बोला है, इट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरियंट। मतलब जो कैरेक्टर बोला है, मतलब कोई सेम मीनिंग इज द सेम, जो विजिबल फीचर है एंड जो डिटेक्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ, मैंने आप लोगों को क्या डेफिनेशन लिखाया था, इट इज वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर, याद करो मैंने क्या लिखवाया था, इट इज वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर लिखवाया था ना, तो जो डिटेक्टेबल वेरियंट है उसका मीनिंग भी क्या है, इट इज वन फॉर्म ऑफ विजिबल फीचर। ओके मैम, कैरेक्टर और ट्रेड एक्चुअली मीनिंग इज द सेम। मेरी वॉइस बराबर आ रही है कि बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है आपको? क्या आ रहा है बैकग्राउंड में? थोड़ा विंडी वॉइस है मैम। कैसा वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में आपको? फैन ऑन है मैम। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे? नहीं मैम इतना नहीं। ठीक है अभी मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ, अभी 5 ही मिनट रह गए हैं, तो बेयर कर लो आप लोग प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दो, अपना रह जाएगा अभी प्लीज। ये F1 जनरेशन है, अभी इसके बाद में क्या होता है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस यस। मैं अभी नेक्स्ट पे जाती हूँ। अभी नेक्स्ट हम लोग ये बोलेंगे, देखो अभी नेक्स्ट आएगा सेल्फिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग? सेल्फिंग का मीनिंग होता है इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन। सेल्फिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेल्फिंग इज द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन ने मिला ना उसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। F1 जनरेशन में क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसको क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया, लिस्ट करके दो बार लिया है। दो बार क्यों लिया है? सपोज ये मेल का कैरेक्टर है एंड दिस इज फीमेल का कैरेक्टर, सो जो हम लोग को F1 जनरेशन में मिला ना आंसर, उसी का ही सेल्फिंग किया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन किया। अभी नेक्स्ट स्टेज अपना आएगा गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट विल बी देयर? गैमेट फॉर्मेशन आएगा नेक्स्ट, गैमेट। तो यहाँ पे क्या गैमेट बनते हैं? यहाँ पे आएगा कैपिटल आर सर्कल, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर सर्कल, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर सर्कल, और यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर सर्कल। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? देखो F2 जनरेशन, अभी नेक्स्ट आएगा अपना F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ना इसमें पनेट स्क्वायर और चेकरबोर्ड मेथड से करते हैं। F2 जनरेशन का जो डेफिनेशन क्या आएगा? F2 जनरेशन का डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय, इट इज द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय, आंसर किसे मिला? ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग। ये जो आपने आंसर मिलने वाला किसे मिलेगा? इट इज अ जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, उसको क्या बोलेंगे हम? F2 जनरेशन।
F1 जनरेशन लिया उसको सेल्फिंग की है, तो अभी इसका हम लोग चेकर बोर्ड या तो फनेट स्क्वायर मेथड से बनाएंगे। तो इसमें क्या याद रखना है, देखो सिंपल है, यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं, दो अलील दिख रहे हैं तो तीन रोज बनाने हैं, दो अलील दिख रहे हैं तो तीन कॉलम बनाने हैं, एक एक्स्ट्रा बनाना है, एक एक्स्ट्रा क्यों, यहाँ पे मेल लिखना है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर, यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर। अभी जो हम लोग जब भी हम लोग को फर्स्ट बॉक्स भरना है ना, फर्स्ट बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स भरेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, हम लोग ऊपर वाला देख रहे हैं बाजू वाला देख रहे हैं, तो कैपिटल आर क्या होता है रेड। अभी ये बॉक्स भरना है तो देखिए आप देखो पहले कैपिटल और बाद में स्मॉल आएगा, बाजू वाला देखा ऊपर वाला देखा तो पहले कैपिटल आर लिखा जाएगा फिर स्मॉल आर, ये भी क्या है रेड, क्यों कैपिटल आर का मतलब क्या होता है रेड। अभी यहाँ पे भी क्या देखा ऊपर वाला देखा बाजू में वाला देखा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा रेड। लास्ट वाले के लिए क्या आएगा स्मॉल आर आएगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग व्हाइट, स्मॉल आर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे व्हाइट। अभी इसका हम लोग देखने वाले हैं फीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। पहले फीनोटाइपिक रेशियो में हम लोग को कौन सा कलर दिख रहा है, ये सबको समझा, रेड और व्हाइट कैसे लिखा है मैंने, कैपिटल आर को भी रेड लिखा है, कैपिटल आर स्मॉल आर को भी रेड लिखा है। तो यहाँ पे फीनोटाइपिक रेशियो में हम लोग को दो ही कलर दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं रेड और व्हाइट, कितने रेड दिख रहे हैं जल्दी बोलो या तो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। वेरी गुड, रेड इज टू व्हाइट क्या आएगा केतन, हम लोग अभी खाली फीनोटाइप दिख रहे हैं, फीनोटाइप में वो हाइब्रिड होने दो या कुछ भी होने दो रेड ही दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 3:1। बट जब भी हम लोग इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे अभी हम लोग तभी केतन आपका डाउट अभी सॉल्व होगा, जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे ना तो जीनोटाइप कितने टाइप के हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो में कितने टाइप के जीनोटाइप हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कैन सी कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा क्या दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, थर्ड क्या दिख रहा है स्मॉल आर स्मॉल आर, तो क्या आएगा 1:2:1, क्या आएगा 1:2:1, समझा है ये तो नहीं। फीनोटाइपिक रेशियो क्या है रेड इज टू व्हाइट 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 1:2:1, क्लियर है यस और नो? यस मैम, यस मैम, श्योर समझे? हाँ मैम समझा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस। आप लोग इसका सेम वो भी लिखो टॉल और उसका टॉल और डॉट का भी लिखना, हाइट का भी, और मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाना, और अगर वो तो पॉसिबल हो तो आप फिर रजिका को चीज भेज दो मुझे दे देंगे। ओके आप लोग क्या करोगे इसका टॉल और इसका डॉट का भी करोगे ओके, तो हम लोग इस पे आज के लिए एंड करते हैं क्योंकि आपका 8:10 को एक और लेक्चर है राइट ना। सो वी शुड स्टॉप हियर बिकॉज आपको एक और लेक्चर रेस्ट करते हैं ठीक है। तो चलो बाय ऑल, ये जो भी आज ना डिले हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई वॉज देयर इन द वेटिंग रूम, आई हैड ऑन माय कैमरा, तुमने देखा था मुझे ना? सॉरी ओके okay, ये आपको दिख रहा है दोनों हाइब्रिड क्रॉस, किसी ने तो बोला वैभव ने बोला फर्स्ट स्लाइड, वैभव मैंने नाम नहीं पढ़ा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जिसने भी बोला था उसको फर्स्ट स्लाइड चाहिए था ठीक है। चलो बाय ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।